अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समिया और आप देख रहे हैं सैम्स फूड डायरी। आज हम बनाएंगे कीमे वाले समोसे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा लेंगे हम 1 किलो, प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है 2 कप, हरा धनिया लेंगे हम 1 गड्ढी पूरी, अदरक लेंगे 1 चम्मच, लहसुन लेंगे हम 1 चम्मच, सब्ज मिर्चें ली हैं मैंने 2 चम्मच के बराबर, धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 2 चम्मच, जीरा लिया है इसको मैंने भून लिया है और फिर थोड़ा ग्राइंड कर लिया है, लाल मिर्च ली है मैंने 1 चम्मच, ऑयल लेंगे हम तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। ठीक है, सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर, कीमा डाल देंगे, इसको अच्छे से तोड़ लेंगे, ताकि ये खुल जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया अदरक का पेस्ट, लहसुन डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है, कुटी लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, जीरा डाल दिया है और इसको अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, इसको भून लेंगे अच्छे से हम। ठीक है, ये देखेंगे भुना गया है। ठीक है, इसको मैंने भून लिया अच्छे से, ये तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी पड़ती आपको। ये देखेंगे अच्छे से खुल गया है। अब इसमें हम सब मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैंने प्याज डाल दी जो मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, चॉप किया हुआ था, आप इसको डाल के मिक्स कर लें और साथ ही इसमें हम धनिया डाल देंगे, धनिया को मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया है, अच्छे से पका लें, बस ज़्यादा नहीं और बस चूल्हा ऑफ कर दें। ठीक है, अब इसकी जो डो तैयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा, 3 कप के बराबर लिए मैंने, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, अजवाइन ली है और ऑयल लिया है 3 चम्मच के बराबर। ठीक है, पानी 1 कप लिया है मैंने, बाकी आप अपने जैसे आप डो बनाते हो, आटा गूंथते हो, तो जितना आपको पानी की ज़रूरत हो आप उतना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अजवाइन नमक डाल दिया है और अब मैंने ऑयल भी डाल दिया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मिक्स हो गए, अब इसमें पानी डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा और साथ साथ इसको मैं गूंद लूंगी। इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया, ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया 1 चम्मच के बराबर और कुछ देर के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। ठीक है, इसको मैंने आधे घंटे का रेस्ट दिया है, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया, थोड़ा सा मैदा रेस्ट किए और इसको बीच में से कट कर लूँगी। अब इसके 2 पेड़े से बना लेंगे, दोनों को अलग करके रख लेंगे और अच्छे से बेल लेंगे। ये पेड़े बना लिए दो। ठीक है, अब इसको बेल लेंगे अच्छे से, ये घर की डो है और तैयार मिलती है, तैयार समोसा पट्टी मिलती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको उसका तरीका भी बता दूंगी। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाऊंगी तो उसमें आपको वैसी डो भी बनाना सिखाऊंगी। अब इससे मैं सर्कल काट लूंगी, किसी भी चीज़ से आप इसके गोल सर्कल काट लें, ये बिल्कुल छोटे समोसे मैं बनाऊंगी डी शेप में।
ये देखिए मैंने कट कर लिए, ठीक है। अब इसमें मैं रख के बिल्कुल वन बाइट समोसा होता है छोटा समोसा, बिल्कुल वैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो वन बाइट समोसा बहुत पसंद है। तो ये देखिए आप, ये देखिए इसी शेप में मैं बना लूँगी, कुछ बड़े बनाऊँगी कुछ छोटे बनाऊँगी। अब ये तैयार पट्टी है समोसे की, ये मैदा लिए और इसमें थोड़ा सा पानी लिए, इसको एक बिल्कुल आप बिल्कुल एक लिक्विड सा बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। ये देखिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको समोसा पट्टी भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान बनती है ये। ये देखें इस तरह करके आप इसमें एक चम्मच के बराबर डाल दें कीमा, एक डेढ़ चम्मच के बराबर। ये देखें मैंने डेढ़ चम्मच डाला है, और ब्रश की मदद से इस पर लगा के आप इसको कवर अप कर लें। बहुत ही आसान बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग ये देखें, ठीक है। अब मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया और समोसे डाल दिए उसमें। ये देख सकते हैं, इसको बना लें अच्छे से, फ्राई कर लें। समोसे रेडी हो गए। अब जो हमने दूसरे वाले बनाए थे, देखिए इस तरह के मैंने बड़ी शेप के बनाए थे, छोटे भी बनाए थे, ये सब बना लेंगे। ये देखिए मैंने छोटे बड़े सब डाले हैं इसमें, आपको जो शेप पसंद हो आप इसको शेप दे सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छी सी प्लेट में निकाल के रख लिया है, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि कैसे बने, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़े के हैं, सही स्पाइसी मज़ेदार से बने हैं समोसे। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।